नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश होंगे। इसी दिन देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस ने सत्याग्रह करने की योजना तैयार कर रखी है। दिल्ली में पार्टी के सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य जांच एजेंसी के मुख्यालय तक मार्च करेंगे। कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन के बीच सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं ने इसकी तुलना नरेंद्र मोदी के उस किस्से से की है जब साल 2010 में वह एसआईटी के सामने पेश हुए थे। मोदी जब एसआईटी के सामने पेश हुए थे तब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया था। इसी एसआईटी के सामने मोदी को पेश होना था। तब मोदी बगैर किसी प्रदर्शन और रैली के हाथ जोड़कर एसआईटी के दफ्तर में पहुंचे थे। दो सेशन में दिन भर उन्होंने पूछताछ के दौरान सवालों के जवाब भी दिए थे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब एसआईटी के सामने मोदी पेश हुए तब उनके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं थी, जबकि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं। 28 मार्च 2010 को मोदी एसआईटी दफ्तर में जब दाखिल हुए थे तब उनके साथ कोई बड़ा नेता भी नहीं था, लेकिन राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस ने अपने सांसदों को ईडी ऑफिस तक मार्च के लिए दिल्ली बुलाया है। सूत्रों ने बताया है कि भारतीय युवा कांग्रेस एनएसयूआई और पार्टी से जुड़े दूसरे संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के समर्थन में मौजूद रहेंगे।